हेलो गाइस, वेलकम ऑन अनअकैडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनअकैडमी लाइव रेलवे। सो आई एम डॉक्टर निभा जादव, आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं यहाँ पर बायोलॉजी का न्यू सीरीज। तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाएं। हेलो डीएल स्टडीज विवेक, हेलो आज सबसे पहले, हेलो शिप्रा, हाय राधे राधे, हेलो राजीव, कृष्ण विवेक हाय, हेलो राहुल। तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर, आप लोगों से बस सबसे पहले यही कहूंगी कि सेशन को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग। सो गाइस, आज बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है हमारा, ठीक है, इसी सीरीज को आगे बढ़ा दी हूं आप लोगों के साथ। सो आज मैंने बायोलॉजी सीरीज में स्टार्ट किया है पूरा एमसीक्यू सेक्शन चैप्टर वाइज, यानी कि आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम के टॉप 20 क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में भी आए हैं और एक्सपेक्टेड भी है। तो अब आपको बायोलॉजी में एक फायदा यह है कि जो एमसीक्यू सेक्शन मिलेगा वो चैप्टर वाइज मिलेगा। जैसे आज हम लोग करने जा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम का एमसीक्यू सेक्शन यहां पर हम लोग कर रहे हैं। विवेक क्या प्रॉब्लम है, ऑडियो वीडियो ओके नहीं है क्या? चलिए, सो गाइस, YouTube पर मेरा ये वाला जो क्लास है वो आपको डेली 7:30 पर मिलता है। चैनल का नाम है अनअकैडमी लाइव रेलवे, तो इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे। देन अनअकैडमी का यदि आपके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो आप मुझे प्लस कोर्सेज के लिए दो टाइमिंग पर ज्वाइन कर सकते हैं, एक तो 4:30 बजे और दूसरा 6 PM पर, ठीक है। वॉइस में दिक्कत है, आई थिंक ऑल इज ओके, कोई बात नहीं। वॉइस में अगर दिक्कत भी है तो आपको यहां स्लाइड शो हो रहा है, आप स्लाइड शो कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, मेरा जो डेली का फ्री क्लास है वो 8 PM पर आपको मिलता है, तो इस क्लास के जस्ट बाद आप 8 बजे मुझे ज्वाइन करेंगे, 8 बजे अनअकैडमी पर, बिल्कुल फ्री कोर्स के लिए, ठीक है। आप यदि अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो निभा YT10 मेरा कोड है, रेफरल कोड, इसको आप यूज कर सकते हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, मैक्सिमम लाइक करो और उसको शेयर भी करो, तो जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए एंड लाइक आल्सो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 देने जा रही हूं, उससे पहले आपको बता दूं कि क्लास का PDF पाने के लिए अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखेंगे क्लास के PDF के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, हर एक क्वेश्चन में आपको दूंगी उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहां पर साथ में दूंगी, ताकि एक से अगर कई सारी चीजें उस क्वेश्चन से रिलेटेड आ जाएं तो आप उसको सॉल्व कर पाए। पहला है, अक्षीय कंकाल में क्या होता है, व्हाट डज एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ। स्कल होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, रिब्स और स्टर्नम होता है, या ऑल ऑफ द अबव। डीएल स्टडीज ने बहुत जल्दी से आंसर दिया, ऑप्शन नंबर डी, एब्सोल्युटली राइट। विवेक आपका आंसर बिल्कुल सही है, कृष्णा धर्मेंद्र आपका आंसर सी आ रहा है, नो। क्या जब स्टर्नम और रिब आ सकता है तो क्या वर्टिब्रल कॉलम नहीं आएगा? शिप्रा बिल्कुल सही है, हीरो ऑल एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस, जो हमारा एक्सियल स्केलेटल होता है ना, अक्षीय कंकाल, हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षीय कंकाल। हाँ, तो जो अक्षीय कंकाल है उसमें क्या है, आपका स्कल यानी खोपड़ी आती है, स्टर्नम और रिब्स मतलब पसलियां आती हैं, ठीक है, थीके? आपकी, और वर्टिब्रल कॉलम मतलब होती है आपका ये रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड, ठीक है। तो ये तीनों इसमें आती है, तो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है, जो हमारी पसलियां जिससे कनेक्ट होती है उसे स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। नमस्ते निरंजन जी, हेलो। नेक्स्ट, शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम बताना है, फीमर, फिबुला, टीबिया या इलियम। गुड इवनिंग विष्णु, हेलो। नेम द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। गुड इवनिंग मेघा, हेलो। गुड इवनिंग,
रीना हेलो नमस्ते। फीमर के साथ जा रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट, सबसे लंबी हड्डी है फीमर। यस बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग नीलम हेलो। तो देख लेते हैं सबसे पहले, तो गाइस फीमर कहाँ की हड्डी है? पैर की हड्डी है ये, यार आधे लोग तो इसको हाथ की समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये याद रखेंगे फीमर आपकी यहाँ पर, यहाँ आपकी थाई बोन आ जाती है, तो फीमर आपके पैर की हड्डी है, ठीक है, ये फीमर है। ओके सो द बोन ऑफ लेग कंसिस्ट ऑफ फीमर, थाई बोन हम इसे कहते हैं। टीबिया फिब्ला भी लेग में पाई जाती है, नाम याद रखेंगे, ठीक है। हेलो सायन, हाय। अच्छा बेटा विष्णु, आपका 28 जनवरी को है, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट सभी को। जिनका पेपर कल है, जिनका पेपर आगे है, तो इन फ्यूचर आपका जो भी एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस टार्सल, मेटाटार्सल, ये सब। फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन है बॉडी की। टीबिया फिब्ला जो है ये सपोर्ट करती है दोनों आपके लेग्स को। चलिए, गुड इवनिंग रीना हेलो, प्रणाम ऋतु, प्रणाम। मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चल हड्डी होती है, चल मतलब जो मूव कर सकती है, मूवेबल बोन होती है हमारे स्कल में, खोपड़ी में। आपको उसका नाम बताना है, एथमॉइड बोन, मैंडिबल बोन, नेसल बोन या लैक्राइमल बोन। प्लीज गाइस सेशन को जल्दी से लाइक कर दो जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया हो। और रीना हेलो, आपका बर्थडे है, सो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे एंड गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लास्ट। थर्ड का मैंडिबल के आंसर बी, विवेक बिल्कुल सही आंसर है, डीएल स्टडीज एब्सोल्युटली राइट, बशरुद्दीन अंसारी एब्सोल्युटली राइट, राजेश बिल्कुल सही आंसर है आपका, यस। ऋतु, मेघा, कृष्णा, विष्णु, हीरो बिल्कुल सही। मैंडिबल तो जबड़े की हड्डी कहते हैं, मैंडिबल मतलब क्या होता है, आपके जबड़े की हड्डी। तो आप पूरे खोपड़ी में सिर्फ अपना जबड़ा ही तो हिला लेते हैं, है ना भाई, बोलने के लिए। सबसे मेन तो खाना और बोलना, ये दो ही काम आप सबसे ज्यादा करते होंगे, ठीक है। तो इन दोनों कामों के लिए आप इसी को हिलाते हो। सो गाइस दिस इज अ मैंडिबल, ये है हमारे जबड़े की हड्डी, ठीक है। सो दिस इज अ मैंडिबल, तो इसी को ये क्या है, मैंडिबल। ध्यान रखना रात को आपको सपने ना आने लग जाए स्केलेटन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ विवेक तुम्हें डर लग रहा है ना, तो तुम क्लास में से चले जाओ। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम बताना है आपको। हेलो रेखा, हाय। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी, थिनेस्ट बोन, सबसे पतली, स्टेपीज, मैलियस, इनकस या फिबुला। शानू सी के साथ, डीएल स्टडीज डी के साथ, बशरुद्दीन ए के साथ, ओके। डीएल स्टडीज का आंसर कृष्णा विवेक बिल्कुल सही आंसर है, फिबुला। और डीएल स्टडीज आपका आंसर बिल्कुल सही था, फिबुला हमारी सबसे पतली हड्डी है बेटा, सबसे पतली सी पूछी है, ऐसी पतली सी हड्डी है ना। सो दिस इज अ यस, निरंजन जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, फिबुला। नमस्ते सुरेंद्र। सबसे पहले तो वो लोग लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया, मैं तभी आगे बढ़ूंगी। अब जल्दी से सेशन को लाइक करो जो भूल गए हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप पहले सेशन को लाइक करो। सो गाइस आप देख रहे हो आपकी टीबिया फिबला, फिबला भी पैर की हड्डी होती है। तो देखो यहां पर जब टीबिया, टीबिया के साथ एक पतली सी हड्डी जा रही है, इसको ही बोलते हैं फिबुला। सो फिबुला, क्लियर, ठीक है। अरे रीना डरने की बात नहीं है, बी स्ट्रॉन्ग। चलिए सो अब याद रखेंगे जो लोग भूल गए हैं, जल्दी सेशन को लाइक करो, नहीं तो आगे के क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगी मैं। सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताइए, आपको बताना है स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है, सबसे छोटी मांसपेशी। गर्डर मैक्सिमस, एंटागोनिस्टिस, स्टेपीडस या नन ऑफ द अबव। हेलो निशा, हाय, नमस्ते। डीएल स्टडीज का आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए, सबसे छोटी पूछी गई है भाई, सबसे छोटी। मिनका पवार आपका आंसर सी है, एब्सोल्युटली राइट। विष्णु बिल्कुल सही आंसर है, राजेश, निरंजन जी बिल्कुल सही, नीलम, शिप्रा नो, हीरो बिल्कुल सही आंसर है, बशरुद्दीन, रेखा तिवारी एब्सोल्युटली राइट। चले सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीडस।
तो जो स्टेपिडर्स होता है ये कान में पाई जाती है और सबसे छोटी मांसपेशी कहलाती है। अगर आप इसे देखना चाहो तो मैं आपको बता सकती हूँ, दिस इज अ लोकेशन इज दिस, ये दिख रही है आपको छोटी सी हड्डी, छोटी सी मसल, ये होती है स्टेपिडस, दिस इज अ स्टेपिडस। तो स्टेपिडस इज द स्मॉलेस्ट मसल विच इज प्रेजेंट डीप इनसाइड द ईयर एंड इट इज जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर लॉन्ग एंड थिनर देन द कॉटन थ्रेड। मतलब रुई का जो एक रेशा होता है ना उससे भी पतली है और बहुत छोटी यानी मिलीमीटर में है। ठीक है, समझ गए? चलिए, चलो नेक्स्ट। What is the number of floating ribs in human? आपको बताना है कि human में floating ribs कितनी होती है? Session को जल्दी से like and share कर दो guys. B. Okay, DL studies का answer सबसे पहले आया है, floating ribs होती है दो जोड़े, यानी कि number of four, two pairs होती है। Absolutely right, Shipra बिल्कुल सही है, बिल्कुल। DL studies की bio बहुत अच्छी है। मेघा, राजेश बिल्कुल सही आंसर, आप फोर पेयर दे रहे हो, नंबर ऑफ फोर है। हाँ ठीक है। रीना हेलो। सो गाइस फ्लोटिंग रिब्स बता देती हूँ आपको कि फ्लोटिंग रिब्स कहाँ होती है। तो आपकी पसलियों में ये आपको दिखाई दे रही है, ये वन टू थ्री फोर, तो दो जोड़े यानी चार, नंबर ऑफ चार। ठीक है, तो फ्लोटिंग रिब्स होती कौन सी है? आप देख रहे होगे बाकी सब कुछ क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पर क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है, लेकिन सिर्फ ये वाली जो रिब्स है ना ये एकदम फ्री फ्लो, फ्री फ्लोइंग है। तो फ्री होने की वजह से इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। राजेश मैं एक्सप्लेनेशन ही दे रही हूँ कि आप देख रहे हो यहाँ पर स्टर्नम से ये सब ऐसे ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, ये जुड़ी हुई है, लेकिन पीछे से ये सिर्फ एक दो जोड़े ऐसी होती है, यानी ये चार ऐसी होती है जो इस तरह से स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है। तो ये स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है, एकदम फ्री फ्लोइंग होती है, इस वजह से इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। गुड इवनिंग रीना। आपको बताना है पिगमेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट स्केलेटल मसल्स आर कैरेक्टराइज्ड इनटू रेड एंड व्हाइट मसल। तो किस पिगमेंट की वजह से जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो रेड और व्हाइट में डिफ्रेंशिएट होती हैं? गाइस मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी सीरीज जो यहां पर आप यूट्यूब पर मैंने स्टार्ट किया है, चैप्टर वाइज डिस्कशन होगा एमसीक्यू सेक्शन का, टॉप 20 क्वेश्चंस आपको वो मिलेंगे जो प्रीवियस में भी होंगे और एक्सपेक्टेड भी। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो स्केलेटल सिस्टम का है, तो आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम से स्टार्टिंग कर रहे हैं। डीएल स्टडीज ए, आशीष कुमार ऑप्शन नंबर बी मायोग्लोबिन, एब्सोल्युटली राइट। निरंजन जी बिल्कुल सही आंसर है, मायोग्लोबिन। जो मायोग्लोबिन होता है उसी वो पिगमेंट की वजह से ही रेड और व्हाइट मसल्स में मांसपेशी जो होती है वो डिवाइड होती है। रूपिका हेलो हाय गुड इवनिंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन, तो याद रखेंगे मायोग्लोबिन। ठीक है, और स्केलेटल मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू रेड एंड व्हाइट मसल। ठीक है, थैंक यू रीना। चलिए आप जल्दी से सेशन को लाइक शेयर करते चलिए। जय हिंद दीपक हेलो। आपको बताना है फिंगर जो बोन्स होती है उनको क्या कहते हैं, उंगलियों में जो हड्डियां होती है उनको क्या कहा जाता है, हैमेट बोन, गर्डिल्स, फैलेंजेस या मेटाकार्पल। आपके हाथों की जो उंगलियां हैं उंगलियों को टच करेंगे तो हड्डियां दिखती है ना, तो अब आपको बताना है कौन सी हड्डियां उनको क्या बोलते हैं, फिंगर बोन्स को। हेलो प्रदीप, राम राम। दीपक का आंसर सबसे पहले है, एब्सोल्युटली राइट दीपक, फैलेंजेस, यस। मेनका पवार आपका बिल्कुल सही आंसर है, धर्मेंद्र सी के साथ, विष्णु, विवेक, डीएल स्टडीज, कृष्णा बिल्कुल सही है, बशरुद्दीन अंसारी, आशीष, हीरो आपका आंसर बिल्कुल सही है, उसे फैलेंजेस कहते हैं। सो गाइस आपका हाथ का जो पंजा है जब आप देखेंगे तो ये जो हड्डियां आपको दिख रही है ना ये बोन्स,
ये सब क्या है, इनको फैलेंजेस कहते हैं, अलग अलग होती है। जैसे पिंक कलर की आपको सबसे ऊपर आपकी उंगलियों में दिखेगी, इसे डिस्टल बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पर इंटरमीडिएट फैलेंजेस आती है, थर्ड नंबर पर प्रॉक्सिमल आती है, देन मेटाकार्पल और फिर कार्पल आता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, फैलेंजेस है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं, जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं बॉडी में, 2, 3, 4 या 5? हाँ, लग तो रहा है। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करिए फटाफट, जो लोग भूल गए हैं सेशन को लाइक और शेयर करना। डीएल स्टडी 9 का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। गाइस, जॉइंट्स ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जॉइंट्स 3 तरह के होते हैं, कहां जा रहे हैं आप लोग, जॉइंट्स ओनली 3 टाइप्स के होते हैं। जॉइंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, यस, रोहित का आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 जॉइंट होते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। निरंजन जी का आंसर भी बिल्कुल सही आया, 3 जॉइंट होते हैं, पता नहीं कहां से इतने सारे दे रहे हैं। आयुष कुमार एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर बी आप दे रहे हो, 3 जॉइंट होते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो जॉइंट्स होते हैं वो 3, पहला फिक्स्ड जॉइंट, दूसरा फ्री मूवेबल जॉइंट और तीसरा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, सो फिक्स जॉइंट के अंदर और जो फ्री मूवेबल होते हैं उन्हें हम और डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, यहां पर आप उसे हिंज जॉइंट और ग्लाइडिंग में डिवाइड कर सकते हो फ्रीली मूवेबल वाले को। तो फिक्स जॉइंट, फ्रीली मूवेबल और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट ही होते हैं 3 ही तरह के। हाँ दीपक, आपने 3 दिया था, राइट राइट राइट। आशीष कुमार, अभी समझ गए। चलो, मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड किसके द्वारा किया जाता है, मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मसल की निकालनी हो तो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम, ए और बी दोनों सही है। ओहो, नाइदर ए नॉर बी, वॉइस साउंड इशू। गाइस देखो, स्लाइड आपको शो हो रहा है, आप प्लीज स्लाइड और आंसर कीजिए। हो सकता है साउंड इशू यूट्यूब पर ही होता है, जब मैं फ्री क्लास करती हूं वहां कोई इशू नहीं आता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोमायोग्राम, ईएमजी। ठीक है, ईएमजी। ठीक है, चले, इलेक्ट्रोमायोग्राम। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमायोग्राम ईएमजी याद रखेंगे कि इससे ही क्या करते हैं, मसल्स रिकॉर्ड की जाती है, मसल्स की एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। और ईसीजी से हम लोग हार्ट, ईसीजी हार्ट का होता है। ठीक है, हार्ट, ईसीजी हार्ट का होता है, ईएमजी मसल का होता है, और ईईजी आए कभी तो वो ब्रेन का होता है। तीनों नाम आप याद रखेंगे कौन कहां का होता है, ईसीजी हार्ट, ईएमजी मसल और ईईजी ब्रेन का होता है। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ हार्ट समझ गए, ईसीजी, और मसल्स का ईएमजी। हाँ विवेक, डन। चलिए, टेंडोन और लिगामेंट आपको बताना है, ये टेंडोन और लिगामेंट क्या है, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, स्केलेटल टिश्यू है या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडोन और लिगामेंट आपको बताना है क्या होते हैं, सेशन को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो जो लोग भूल गए हैं। राजेश, अभी तो क्लास एंड होने में टाइम है, 9 क्वेश्चन बाकी है, तो बताती हूँ कल का टॉपिक। आज स्केलेटल कर रहे हो आप, टॉप 20 क्वेश्चंस, कल का टॉपिक अभी बताऊंगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गाइस, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यस कनेक्टिव टिश्यू है,
लेकिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। सो दिस इज द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट क्या होता है, जो बोन और बोन को जोड़े वो लिगामेंट है, और जो बोन और मसल को जोड़ता है वो टेंडन कहलाता है। ठीक है, सो दिस इज अ टेंडन जो मसल और बोन को कनेक्ट करता है, और बोन को लिगामेंट कनेक्ट करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट इन फीटस टेक प्लेस इन, भ्रूण में एरिथ्रोसाइट का निर्माण कहां होता है। ओके रितु, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी चॉइस पर कल का टॉपिक रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कल टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड टू एनटीपीसी। फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट इन फीटस कहां पर होता है। मेघा डी के साथ रक्त में। प्रणाम रेनु, आप लेट हैं आज। विवेक बी में। ओहो चलिए जल्दी से आंसर करो बाकी लोग मुझे। ऑप्शन नंबर सी विष्णु पांडे बिल्कुल सही आंसर है। दीपक आपका आंसर बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट, स्प्लीन। अच्छा ऐसा भी था, लिवर और स्प्लीन यकृत में। गाइस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्प्लीन और लिवर। लिवर में आता है मेनली ना, भ्रूण में जो एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है, आरबीसी का जो विकास होता है वो लीवर में होता है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो जरा याद रखेंगे कि भ्रूण में, और अगर एडल्ट की बात होती एडल्ट में हमेशा स्प्लीन में, सॉरी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, बोन मैरो में। ठीक है नेक्स्ट, डज नॉट हैव, आपको बताना है हाइलैंड कार्टिलेज में क्या नहीं होगा। ब्लड कैपिलरीज, सेल्स, लैकुनी या फाइबर्स। आपको बताना है हाइलैंड कार्टिलेज में क्या नहीं होगा। विवेक सी के साथ जा रहे हो। डीएल स्टडीज, ब्लड कैपिलरीज हाइलिन कार्टिलेज में। रेनू ए के साथ। कृष्णा विवेक ए के साथ, यस बिल्कुल सही है, हाइलिन कार्टिलेज में ब्लड कैपिलरीज नहीं होती। गेम चेंजर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या नहीं होगा, ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती है। ठीक है, कार्टिलेज में ब्लड कैपिलरीज नहीं होंगी। नेक्स्ट, मेजर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स बोन। आपको बताना है वर्टिब्रेट्स की बोन्स का मेजर कंपोनेंट कौन सा है इनऑर्गेनिक। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या नन ऑफ द अबव। गाइस जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते चलो। डी के साथ, सी के साथ भी जा रहे हैं मैक्सिमम लोग, और बी के साथ भी जा रहे हैं, क्या बात है। तो सोच लो पहले, कैल्शियम फॉस्फेट होगा या कैल्शियम कार्बोनेट होगा। मेजर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ वर्टिब्रेट बोन। गाइस इसका राइट आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट इज द राइट आंसर। जो लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे थे वो बिल्कुल सही है, यहां पर कैल्शियम फॉस्फेट आएगा, जिसे हाइड्रोक्सी एपेटाइट के नाम से जानते हैं। हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है CA10 PO4 का होल 6, OH का
होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, दिस इज अ हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इसी को कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब याद रखना, अब मत भूलना. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हेवर्शियन कैनाल कहां मिलेगी, वेयर इज हेवर्शियन कैनाल अकर. ह्यूमरस में मिलेगी, स्कैपुला में मिलती है, प्यूबिस में मिलती है, या क्लाविकल में मिलेगी. हेवर्शियन कैनाल कहां पर पाई जाती है, प्लीज लाइक द सेशन गाइस. सी के साथ, ए के साथ, दीपक ए के साथ, ओके सी के साथ, दीपक एक के साथ हो, विवेक एक के साथ है, गाइस विष्णु मांडे एक के साथ, एब्सोल्युटली राइट. ह्यूमस गाइस, हेवर्शियन कैनाल ह्यूमस में पाई जाती है, सॉरी ह्यूमरस में पाई जाती है, आई एम सो सॉरी. राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिस इज अ ह्यूमरस. तो हेवर्शियन कैनाल ह्यूमरस में मिलेगी आपको. ठीक है, ए मेघा यादव बिल्कुल सही है, निशा शर्मा एब्सोल्युटली राइट, विष्णु विवेक आपका आंसर बिल्कुल सही है, संतोष सिंह ए ह्यूमरस, हाथ की हड्डी होती है ना ह्यूमरस, सो इसमें ही पाई जाती है हेवर्शियन कैनाल. नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ह्यूमन, मानव में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है, कितनी कशेरुक होती है, 33, 32, 22 या 26. गाइस इस क्लास के जस्ट बाद आप मुझे यूट्यूब के बाद अनअकैडमी पर फ्री क्लास, मेरा 8 PM पर होता है, पूरा 1 आवर का क्लास है, आप मुझे यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं 8 बजे. ठीक है, सो 8 बजे आप मुझे ज्वाइन करेंगे इस क्लास के लिए. मानव में कशेरुक दंड की कशेरुक की संख्या कितनी होती है, 33, एब्सोल्युटली राइट, 33 होती है, 33 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. तो क्लेविकल में 7 होती है, थोरेसिक रीजन में 12 होती है, लंबर रीजन में 5 होती है, सेक्रम रीजन में 5 होती है, और कॉसिक्स की फ्यूज हो जाती है लेकिन होती 4 है. तो टोटल मिलाएंगे तो हम 33 आती है, लेकिन जब ये फ्यूज वाली को हटा देते हैं तो यही 26 हो जाती है. सो याद रखेंगे 33 हमारी पूरी होती है, लेकिन फ्यूज होने की वजह से जो कॉकिक्स है ये फ्यूज हो जाती है तो 26 रह जाती है. ठीक है, बात समझ में आ रहा है. लेकिन अगर आपसे एग्जाम में एनटीपीसी में कई बार ये क्वेश्चन जब आया है तो 33 वाला क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है, 26 वाला रॉन्ग हुआ है. अब आप देख लो आपको क्या लगाना है. एक्चुअली होता यह है कि 33 ऑलरेडी होती है, लेकिन जो फ्यूज हो जाती है सैक्रम और कॉकिक्स उनको हम हटा देते हैं, उसके बाद हमें 26 ही मिलती है. निम्नलिखित में से कौन स्टर्नम को पसलियों से जोड़ता है, बोनी मैटर, ओ गाइस प्लीज जल्दी से सेशन को लाइक कर दो. आपसे पूछ रहे हैं स्टर्नम को रिब्स से कौन जोड़ता है, पसलियों को स्टर्नम से कौन जोड़ता है, बोनी मैटर, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज या एरियोलर टिश्यू. दीपक का आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्युटली राइट दीपक, हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा ही जो स्टर्नम है उसी से आपकी क्या जुड़ी रहती है, जो पसलियां है वो स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं. तो यहां पर एक कार्टिलेज पाई जाती है, इसी को बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है विवेक, 3 पर हो सही हो, राइट आंसर है हाइलिन. स्टर्नम क्या होता है, अभी आपको स्टर्नम बता देते हैं. सो जो आपके चेस्ट रीजन है वहां पर आपकी पसलियां जुड़ी हैं, तो ये वाला जो आपको ऐसे ये की जैसा संरचना दिख रहा है ना, ये एरो जैसा, इसी को बोलते हैं स्टर्नम. तो स्टर्नम को पसलियों से ये चिपकी हुई है, तो किसकी वजह से, एक कार्टिलेज होती है, उपास्थि होती है, उस उपास्थि का नाम है हाइलिन. ओके निरंजन जी, मैं नेक्स्ट टाइम आपको ऑप्शन भी हिंदी में दे
दे दूंगी, नो प्रॉब्लम, ओके। चलो अब जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिए। कल का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। जल्दी से क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉल्ड स्प्रेन। आपको बताना है मोच का आना किसको कहते हैं, हेयरलाइन फ्रैक्चर को, पुलिंग ऑफ लिगामेंट को, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर को, या मसल टियर को। मतलब मसल फटना, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर लिगामेंट का खिंचना, या बारीक सा एक क्रैक आना, वो मोच कहलाता है। गाइज इस क्लास के जस्ट बाद आप मुझे अनअकैडमी पर फ्री क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लास है, सिर्फ अनअकैडमी को डाउनलोड करना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि लिगामेंट का खिंचना। राजेश डीएल स्टडीज, ओके। वेंकटेश बालाजी बिल्कुल सही आंसर है। ऋतु कृष्णा एब्सोल्युटली राइट। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। जल्दी जल्दी आंसर करो गाइस। फिर हमें 8 बजे मेरी फ्री क्लास में ज्वाइन करना है। आज वहां पर स्टैटिक जीके का बुक एंड ऑथर का टॉपिक है, तो बुक एंड ऑथर्स के बारे में अगर आप एमसीक्यू सेक्शन लेना चाहते हैं तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। राइट आंसर है 22 हड्डियां, बिल्कुल सही। स्कल में 22 होती हैं, ठीक है। सो 22 होती हैं कहां पर, स्कल में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द बोथ द लोअर लिमेंट ऑफ द मैन। ह्यूमन के लोअर मतलब कि निचले पैरों में, अंगों में कितनी हड्डियां होती हैं। लिंब मतलब होते हैं पैर, तो लिंब बोले तो पैर, तो निचले पैर की बात करते हैं हम। कितनी हड्डियां होती हैं, 58, 56, 60 या 54। दीपक बिल्कुल सही आंसर है, 60 हड्डियां होती है गाइस। अब जाके इसको ढंग से पढ़ लेना कि लोअर लिंब में 30 हड्डियां होती है, तो हाथ और पैरों की टोटल मिलाते हैं तो 120 होती है, ठीक है। सो एक में 30 हो गई, तो दोनों में मिलाए तो 60 हो गई। तो नीचे के पैरों की में बात करेंगे तो 60, हाथों में बात करेंगे तो 60, तो हमारे पूरे लिम्स में 120 हड्डियां होती है। सो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सो आज का सेक्शन समझ में आया, तो जल्दी से आप मुझे ज्वाइन करेंगे आप लोग पे अनअकैडमी सेशन पे। थोड़ा सा हम लेट हो गए, तो जल्दी से बता दीजिए कलाई में कौन सा जोड़ पाया जाता है। सो कलाई में कौन सा जॉइंट होता है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। सैडल, ग्लाइडिंग, पाइवट या हिंज। यस, सैडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, आपकी कलाई में कौन सा है। कलाई हर जगह घूम जाती है ना, मूवेबल है ना। सो यस ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यस कारगिल ऑफिशियल बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ जो लोग जा रहे हैं। रीनू, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, आप ग्लाइड कर लेते ना उसको, इसलिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए गाइस अब मिलते हैं हम लोग मेरे अनअकैडमी क्लास के लिए। सो आप जल्दी से 8 PM पर ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी पर मुझे। चलिए सो टेक केयर गाइस, क्लास के बाद अपना लाइक देना मत भूलिएगा और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।